गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी वर्कशॉप पे आ गया हूँ मैं और रात से लाइट भी नहीं थी। लाइट भी बहुत परेशान कर रही है, यहाँ पर आना जाना शुरू है और अभी भी पावर नहीं है। यहाँ पर इन्वर्टर के बैकअप के ऊपर चल रहा है, तो अभी एक मशीन में चला रहा हूँ, इंग्रेविंग मशीन जो डिज़ाइन निकाल की है, तो उसको ऑन कर रहा हूँ इन्वर्टर के ऊपर। 2-3 घंटा बैकअप लेता है, लेकिन अभी इन्वर्टर भी पुराना हो गया तो उतना बैकअप नहीं ले पा रहा है। अपना जॉब है 1 घंटे का जॉब है, सिंपल डिज़ाइन है। फिर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन अभी मैं ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, जो भी लाइट भी आ गई। चेक कर मशीन आई के लिए पूरी, वो मशीन जो पीछे का मशीन है वो भी बंद है, क्योंकि वो 3-फेज मशीन है। अभी भी लाइट डीम है, 3-फेज है, 3-फेज में से कोई भी 1-फेज शायद डीम है, तो इस वजह से वो वाला मशीन चल नहीं रहा है जो बड़ा मशीन है। वो CNC EDM वायर कट मशीन है, और अभी जिसको मैं काम कर रहा हूँ ये वो है CNC इंग्रेविंग मशीन है। अभी इसको वो डिज़ाइन में बना हुआ इसके ऊपर। ये भी मशीन एक्चुअली रिपेयर में गया हुआ था, रिपेयरिंग हो गया था, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ माइनर प्रॉब्लम था, उसके लिए मैंने भेजा था, क्योंकि वो कार्ड चेंज करना था, वो कार्ड मुझे आता नहीं है चेंज करते। हाँ, अगर वो करूँगा मैं तो बना लूँगा मैं, लेकिन मुझे उतना टाइम ये नहीं करना है, क्योंकि उसको तो टाइम देके करना पड़ता है काम। तो मैं वो काम करूँ, ये काम करूँ, कस्टमर को हैंडल करूँ, अपने वर्कर को हैंडल करूँ, कुरियर करूँ, क्या करूँ, अकेले को सब देखना पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम लेके बैठता हूँ, कार्ड रिपेयरिंग का, तो कार्ड रिपेयरिंग में तो कैसा दिन चला जाता है समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं उसमें कि वो ढूंढते टाइम निकल जाता है, समझ में आता ही नहीं है, और अपना टाइम पूरा पास हो जाता है, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। वो काम भी अच्छा है, नहीं है ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है वो काम, लेकिन अभी मैं अगर वो काम करने जाऊँगा तो ये सारा मेरा सब काम रख लेगा। डिज़ाइनिंग भी करना है, वहाँ पर 2D डिज़ाइन करना है, 3D डिज़ाइन करना है, और बहुत कुछ काम रहता है, सारा अकेला हैंडल करता हूँ। मशीन को इसके ऊपर ऑपरेटिंग के लिए मैंने रखा था। अभी उधर पीछे अगर आप देख रहे हो ये मशीन, तो उसको अभी मैं डिज़ाइन भी सिखा रहा हूँ। अभी उसके लिए और एक सेटअप लगाया है वहाँ पर कंप्यूटर का, तो अभी उसको डिज़ाइनिंग पे बिठाया है, उसको डिज़ाइनिंग सिखा रहा हूँ। तो कैसा है कि मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग काम से थोड़ा फ्री हो सकता हूँ, तो फिर कैसे कस्टमर्स के ऑर्डर लेने के लिए भी मैं बाहर जा सकता हूँ फिर, क्योंकि डिज़ाइन की वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जा पाता, कि पूरा पूरा दिन मेरा डिज़ाइनिंग में निकल जाता है। अभी तो समझो काम ही नहीं है, अभी तो काम नहीं है तो अभी तो फ्री रहता हूँ मतलब डिज़ाइन करनी होती है, कभी 3D कभी 2D, कभी कुरियर के लिए जाओ, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है, तो टाइम भी कम पड़ जाता है। तो इस वजह से अभी मुशीर को डिज़ाइनिंग सिखा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट कर ही रहा है वो, लेकिन अभी उसको प्रोग्रामिंग, मेन डिज़ाइनिंग तो हो जाएगी 2D, मेन उसका प्रोग्रामिंग है, कैसे प्रोग्राम बिठाना है, तो वो भी उसको सिखाना है। और भी एक लड़का आता है सीखने के लिए, तो अभी वो शायद अभी आया नहीं, वो 11 बजे आता है, वो 11 बजे आएगा, फिर मुशीर उसको थोड़ा 1-2 घंटा देगा टाइम, फिर पूरा दिन मुशीर लेके बैठता ही है, वो कर रहा है वो। तो अभी चलो पहले इसको ऑन करते हैं। देखो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा ये कैपिटल लेटर N है, ये कैपिटल लेटर्स की डाई बना रहा हूँ मैं, ABCD जो लेटर्स रहते हैं ना, 13 लेटर्स हो चुके हैं अभी, और 13 लेटर्स बाकी है। M तलक हमने कर दिया था, और उसके बाद मशीन में प्रॉब्लम आ गया था, तो मशीन तकरीबन 1 हफ्ते से इसके ही पीछे परेशान था मैं। ठीक है, तो अभी चलो इसको चालू करता हूँ मशीन को।
कर दिया हो और अभी इसको तकरीबन एक से डेढ़ घंटा लगेगा इसको पूरा बनने के लिए। वो बनने के बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से उसका एम्बोसिंग दिख रहा है हमें। तो ये मेरा सीएनसी इंग्रेविंग मशीन है जो अभी मैंने चालू किया हो। अभी सीएनसी ईडीएम वायर कट मशीन अभी भी बंद है क्योंकि उसको थ्री फेस पूरा तीन लाइन की ज़रूरत है। थ्री फेस अगर फुल रहेगा तो ही वो चलेगी, अगर एक फेस भी डीम रहेगा तो नहीं चलेगी। तो अभी एक फेस डीम है तो इस वजह से अभी वो चल नहीं रही है। क्या ट्रांसफार्मर यहाँ पर पास में ही है और आगे कैसे है कि थोड़ा जंगली इलाका है तो वहाँ पर तार आपस में जब जुड़ जाती है तो यहाँ से डीओ उड़ जाता है। तो डीओ उड़ने के बाद में लाइट हो जाती है डीम, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये बारिश में ही काफ़ी प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, और अभी बारिश तो कल से शुरू है और दूसरी जगहों पर बारिश तो काफ़ी गिर रही है, काफ़ी तूफान भी आ रहा है वहाँ पर और बाढ़ भी आ गई है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल इतना कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, बारिश हो रही है और अभी बाहर भी पूरा डार्कनेस ही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है रिमझिम। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। तो ऐसे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा आप लोगों का और वीडियोज़ बनाने मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आपका सपोर्ट बनाए रखना, यही हुई पता नहीं मुझे मेरा आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि जो मशीन शुरू किया उसके बाजू में ही बैठा हूँ मैं। तो अभी थोड़ा दूर चलते हैं वहाँ पर और वहाँ से बात करते हैं। अभी जो आपको पीछे से आवाज़ आ रहा है मेरे मशीन का, थोड़ा उस आवाज़ को इग्नोर करना और मुझे भी थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो में नोट किया है कि जब मेरा वो मशीन शुरू रहता है उसका जब आवाज़ आता है तो मेरा आवाज़ आता नहीं है। तो अभी मुझे वो थोड़ा कुछ टिप्स दे रहा हूँ डिज़ाइनिंग में, उसको थोड़ा रुकावट आई है यहाँ पर। बाहर बारिश हो रही है, आज मोटर ब्लॉगिंग का प्लानिंग था मेरा, लेकिन अभी बारिश के चलते सारा मेरा प्लानिंग चौपट हो गया है। लेट्स सी, अभी फिर से निकलने जा रहा हूँ मैं बाहर, फिर से बारिश वहाँ पर दिख रही है और लाइट का तो कोई ठिकाना है ही नहीं, लेकिन अभी आई हुई है लेकिन शायद तो धीमी होगी वो लाइट भी। मोटर ब्लॉगिंग का प्लान आज पूरा अपना फेल हो चुका है क्योंकि बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और मैं बारिश में निकालना नहीं चाहता हूँ और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जो हमने सुबह में कैपिटल लेटर N जो लिखने के लिए अपने मशीन पे लगाया हुआ था वो N कंप्लीट हो चुका है। तो आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से दिख रहा है। अब देखिए ये N, तो इस तरह से हमारा काम होता है सारा। तो अभी N के आगे O, अभी O वाला चल रहा है, अभी O लेटर चल रहा है। तो इसी तरह से हमारा सारा डिज़ाइनिंग का पार्ट यहाँ पर रहता है। इसमें डिज़ाइन बनती है, ये वाले मशीन में डिज़ाइन बनती है और ये वाले मशीन में कटिंग होती है, ये सीएनसी इंजीनियरिंग मशीन। अभी यहाँ पर और भी जॉब यहाँ पर रखा हुआ है, ये सारा जॉब कटिंग होगा। अभी यहाँ पर और भी लगा हुआ है जॉब, तो अभी वही पावर की वजह से यहाँ पर काम रुका हुआ है क्योंकि वहाँ पर लाइट का काम चल रहा था, लाइट बंद रही है लेकिन जैसे ही ऑन कर रहे हैं वहाँ पर सीधा थोड़ा ब्लास्ट जैसा हो रहा है। तो इस वजह से शायद यहाँ पर एक लाइन को डीम ही रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आगे जहाँ पर तार जॉइंट हो जाती है तो उस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। अभी मुशीर आराम कर रहा है क्योंकि उसने भी काफ़ी डिज़ाइन शायद बना ली है, तो अभी पूरा आराम कर रहा है वहाँ पर। अभी मशीन चल रहा था अपना सीएनसी ये वाला और सडनली वोल्टेज
फ्लक्चुएशन हो गया और लाइट डिम हो गई, ये रुक गया है यहाँ पर, रुक गया, तो हम इसे बंद कर रहे हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी जस्ट इसको कल ही बनाकर हमने स्टार्ट किया है मशीन, तो इस वजह से अभी इसको शट डाउन कर रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ। कि तीन फेज है मेरे पास, मेरे तीन फेज में से एक फेज भी चल नहीं रहा है, तीनों फेज डिम हो गए हैं। तो अभी ये जो पावर आप देख रहे हो ऑन है, ये यूपीएस पे है, इन्वर्टर पे चल रहा है, बंद कर दे मशीन। लाइट का इंतज़ार करते करते हो गई शाम, तो अब हम निकल रहे हैं, वर्कशॉप का शटर भी डाल दिया हमने और अभी निकल रहे हैं। बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो इस वजह से रेनकोट भी पहन लिया हूँ अभी मैं, कि चलता हूँ, देखता हूँ अभी कल क्या पोजीशन रहती है, नहीं तो लाइट वाले को लेकर आना पड़ेगा, वायरमैन को, और करवाना पड़ेगा मुझे, पर्सनली करवाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये आगे प्रॉब्लम है, इस वजह से दो लाइन का प्रॉब्लम ही है। ठीक है, चलो चलते हैं घर। आज सवेरे से काफ़ी परेशान था ऑफिस पे, क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना ही नहीं था। सवेरे से कुछ नहीं चला, सिर्फ एक एम्बोसिंग हमने किया है, एक इंग्रेविंग किया, और जब मैं घर पे आया तो देखा तो वाजिद अपनी स्टडी कर रहे थे। आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, देखिए। साथ में उनको चाहिए नाश्ते, और नाश्ते में क्या है, फरारी चूड़ा, जो इन्होंने ख़त्म कर दिया अभी। ठीक है, अभी फरारी चूड़ा अभी देखो आप साथ में अभी, और ये हो गया एक, भी दूसरा आपको दिखाता हूँ। साथ में उनको क्या चाहिए, ये साथ में टीवी ऑन, एक तरफ कार्टून, और होमवर्क कर रहे हैं। हाँ, सिंसियर स्टूडेंट है वाजिद हमारे, काफी अच्छा। अभी सीनियर, अभी सीनियर के जी में गया, वेरी गुड। दिखाओ क्या लिख रहे हो, पढ़ के सुनाओ जी। मग अच्छे से स्टडी करते हैं, बोलना नहीं पड़ता है। अभी फिलहाल तो ऑनलाइन स्टडी चल रही है, और तो हमने इनका ट्यूशन रखा हुआ है, एक ही थी ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास, और हमने यहाँ पर इनका ट्यूशन भी रखा हुआ है, पास में ही है घर के बाजू में। टीचर भी अच्छा, काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास दो साल से चल रही है इनकी, जूनियर और सीनियर के जी। नानी के इधर जाते हैं, इनके कज़िन के साथ में खेलते हैं वहाँ पर, तो इनकी ट्यूशन टीचर भी अच्छा काफ़ी पढ़ाती है। अभी ये पढ़ना अच्छा, वेरी गुड। तो अभी ये अच्छा लिख भी लेते हैं, 1 to 100 भी लिख लेते हैं। और स्पेलिंग कहाँ तक आती है, स्पेलिंग 1 to 15, 100 तो काउंट हो गया है। हाँ। और स्पेलिंग कहाँ तक बोलते हो, 15 तक आती है ना स्पेलिंग, 15 की स्पेलिंग बोलो, वेरी गुड, 15, वेरी गुड। देखिए मैंने कहा ना इनको स्पेलिंग भी आती है, और 15 के आगे आती है 20 की आती, 20 की स्पेलिंग आती है, 20 की 2020 नहीं आती, 16 की आती है बोलो, वेरी गुड। और दूसरा 19 की, 1919 आती है, हाँ नहीं आती, बोलो हाँ बोलो, अरे देखने का थोड़ी, देख के थोड़ी बोलने का, अभी तो आप कॉपी कर रहे हैं, पहले अच्छे से बोले ना आप 16, 15 और 16 की। अभी कॉपी कर रहा है ये, पहले अच्छे से 15 और 16 की अच्छे से बोला उसने स्पेलिंग, अब कॉपी कर रहा है। देखो 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 दिखा दो, कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है ये स्टूडेंट, तो अभी से ही कॉपी करने लग गया, तो आगे जाके क्या होगा। अच्छा याद नहीं हो रहा, हो जाएगा याद। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, सी यू सून, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।